स्पॉट पर है। अभी तक हमने रश की जो टीम है, ओ जीगो आर यू ब्यूटी एंड दैट स्प्रे वाज अ ब्यूटीफुल इंडीड, व्हाट अ स्प्रे। कभी भी कमबैक कर सकते हैं ये राइजिंग स्टार्स हैं। बट एक चीज यहाँ पर रश की तरफ से जो मुझे गलती नजर आई वो ये है भाई भी, कि अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन चारों खिलाड़ी की जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो तो आप अपनी जो भी कंपाउंड जो कवर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, और वही मेजर रीजन है। लेकिन यहाँ पर देखिए चुमा की बात करते हैं, जो बचे हुए खिलाड़ी थे उन्होंने पूरे तरीके से फिनिश ऑफ ही कर दिया। और देखिए दरवाजे पे स्मोक कर, ये प्लेयर अगर नॉक हो भी जाता है तो वो पूरे तरीके से फिनिश ऑफ करने के लिए जाएंगे। एंड आप ठीक है कि तीनों प्लेयर्स साथ में आ चुके हैं। नियो मेरे ख्याल से वापस से पीछे जाके ना वापस से ऊपर चढ़ना चाहेंगे या फिर वापस से नीचे से ही यहाँ पर ये टीम अग्रस करने वाली है। अच्छा सिनेरियो फॉर 3v2 गेम्स हो एंड आई स्टिल बिलीव कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। जोनाथन को ग्रेनेड दिया क्लच गॉड ने, सो वो ग्रेनेड अब जोनाथन करने वाले हैं। और आइए देखते हैं कि जब स्पेशल एक ग्रेनेड लिया है जोनाथन ने तो कुछ ना कुछ इंटेल होगी और उस इंटेल का कितना फायदा मिलता है। ऑन टू द अदर साइड इनिशिएटिव के प्लेयर्स जो जार्की जाते हैं, एवरडी के प्लेयर्स जो जॉर्जन के बैकयार्ड एरिया पर जाते हैं, उन दोनों का आपस में एक रोटेशनल क्लैश होता है। और जो ग्रेनेड्स हो रहे हैं एक्चुअली में कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहे हैं बिकॉज पहाड़ी की थोड़ी सी यहाँ पर हेल्थ कम होती भी दिख रही है। मेरे ख्याल से सिचुएशन काफी वर्स हो सकती है टीम रश के लिए, क्योंकि एक साथ स्लैम ही यहाँ पर था, ऑलमोस्ट यहाँ पर नियो को नॉकआउट करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्री फायर किया जाता है, क्लच गॉड को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन स्टिल शायद वो जो फायर वो जो मोलोटॉव फेंका गया था उससे भी कुछ यहाँ पर डैमेज दिया और फाइनली वहाँ पर टीम का कंफर्मेशन आता। और दूसरी तरफ टीम जोन एक एसेंशियल फाइट एज यू सेड बाय मी, बिल्कुल अब एक बार फिर से यहाँ पर फाइट आपको देखने को मिल जाएगी। 1v1 की फाइट है, स्काउट वर्सेस आर्चर, ये कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज Both of the players carry an amazing gun power. They are, actually intense. Oh, यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाई ऑफ गार्ड पे क्रॉस आउट ऑन हिज नीज भाई, जाए दिक्कत में वीरू थोड़ा सा जल्दी आओ। वाइपर को भी यहाँ पर नॉकआउट कर दिया गया है, डेल्टा पीजी देयर यू गो विद वीरू ऑन हिज व्हीकल, साथ में आपको मॉडल भी मिल जाएगा। बट ये स्प्रे अक्षु का परेशान करने लायक है, 1v2 करने का मौका अक्षु के पास। और देखते ही देखते यहाँ पर एकदम जरूर से करने की कोशिश थी, लो जरूर से करा। ये फाइट बहुत ज्यादा स्प्लिट एरियाज पर जा चुकी है जिसमें दो प्लेयर्स डाउन हो गए 8-bit के, तीन प्लेयर्स यहाँ पर अभी के लिए दिक्कत में है। बट अच्छी बात ये कि कोई भी फिनिश ऑफ नहीं हुआ है, तो मॉडल अगर चाहे तो यहाँ पर रिवाइवल के लिए जा सकते हैं। अक्षत यहाँ पर एक ऑफ गार्ड एंगल पर है जो शायद डिसएंगेज भी कर सकते हैं या फिर ओके सो इज एक्चुअली डिसएंगेज। यहाँ पर रिवाइवल के लिए जल्दी जाना पड़ेगा मॉडल को। मॉडल Where are you going, man? Go for the revival. It's easy. No! It's easy, mortal. Go for the revival, mate. अक्षत वहां पर अभी के लिए निकल कर चले जाएंगे with the aggressive stance and they lost scout. Probably Viper as well. That was a tough call, but still, जो हुआ सो हुआ। अभी के लिए स्काउट को डाउन होना पड़ा है। इक्वेशन बराबर हो सकती है अब बिकॉज वहां पर शायद वाइपर को रिवाइवल लेते हुए मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। डेल्टा बीजी वहां पर ऑफ गार्ड एंगल पर है, बट आई स्टिल बिलीव कि वहां पर रिवाइवल देना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं भी था। तीन प्लेयर्स बचे हुए हैं यहाँ पर, ओके सो इट्स टू ऑन 8-bit साइड। अक्षत बग्गी घुमा घुमा के बहुत कंफ्यूज कर गए और अब ये 1v1 की फाइट रहने वाली है। स्पॉट यहाँ पर कर चुके हैं, व्हीकल को डैमेज देने की बारी, चलती गाड़ी से उतारने की कोशिश बट मुमकिन नहीं हो पाएंगे। डेल्टा बीजी को ओपन में देख लिया तो शायद इन्हें डाउन कर सकते, एक बार फिर से बग्गी करते और इस बार इन्हीं के एंगल पे आ रहे हैं। डीपी से शिफ्ट करेंगे M4 पर और एक नहीं अब दो एक साथ आने वाले हैं। मॉर्टल मवी को आपकी जरूरत है, जल्दी से जल्दी रीइंफोर्समेंट लेके आ जाइए। यहां पर अभी के लिए डैमेज अच्छा खासा दे दिया, डाउन टू 1 सोलो मैन स्टैंडिंग। नो ही एक्चुअली गोस डाउन, टीम सोल गोस डाउन। और कि जिस तरीके से 8-bit ने अक्षत ने स्पेसिफिकली अपनी ये बग्घी घुमाई है ना, परेशान करके रखती है, नहीं समझ में आया किसी को भी की कर रहे। और टीम आईवीडी को ज्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पर स्लैमिंग करना चाहिए। ब्लैंकिंग उनकी तरफ से आती हुई, वॉच टावर के बगल से यहाँ पर गाड़ी जरूर रोकी जाएगी। और मेरे ख्याल से क्या ये डिसीजन ना रोकने का गलत साबित हो सकता है कि नहीं? नहीं, आई थिंक ये फायदा देकर जाएगा निंजा हवा में, बट इसका भी कुछ खास फायदा थोड़ी होगा। वो पानी में अच्छा वाला डैमेज लेने वाले अभी के लिए एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है। 4 फिनिश पॉइंट सूर्य को खो दिया, बट इन्होंने इनिशिएटिव को परेशान किया, इन्होंने यहाँ पर टीएसएम एफटीएस को परेशान करा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आईवाईडी की जो वापसी की हम बात कर रहे थे जरूर से कर दिया, बट सारंग ने भी वहां पर एक नॉक निकाल दिया है तो दो प्लेयर्स बचेंगे। ऊपर एक प्लेयर नॉक है, कुछ हो सकता है अभी भी। स्मोक करके आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, दो प्लेयर्स वहां पर डाउन हो चुके हैं। सारंग उधर अकेले बचे हुए ग्रोजा के साथ, सामने से गमता को यार क्लच करना ही पड़ेगा क्योंकि बाप का मैच है, आप छोड़ नहीं सकते हो। सारंग की भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, सिंगल लाइट मेरे ख्याल से कुछ में थी, बावजूद उसके यहाँ पर मौका बना लिया। डोंट शॉट यहाँ पर देना चाहिए, गमला वही की तरफ M249 बच्चा था, बट आई थिंक 7 सीज बहुत अवन जो चिकन डिनर लेकर गई है। आई थिंक यस Seven seas? Very cool.
Even you thought the seven seas, you were saying seven seas, that this is the only reason I was shaking, because I thought ki wo prone shot mein spectate check kar liya gaya tha and Kamla